अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सूरह इखलास की फजीलत, आया हमने सूरह इखलास से अपने राह सलूक की इब्तदा क्यों की? क्योंकि सूरह इखलास अपने अंदर बहुत बड़ी वसातत को रखती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर तीन तरह की तौहीद को बयान किया और हमारे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह इखलास को 10 बार पढ़ा, अल्लाह उसका जन्नत में एक महल बनाएगा। और सहाबी रसूल से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन और आसमानों की बुनियाद जो है वो सूरह इखलास पर रखी गई। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब भी अपने बिस्तर पर सोने के लिए आते तो सूरह फलक और सूरह नास और सूरह इखलास को पढ़ते और अपने हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर फेरा करते थे। सूरह इखलास वो वाहिद सूरत है जिसकी बदौलत अल्लाह ने अपनी ज़ात को मुतारिफ़ कराया और ये खालिसतन अल्लाह की तौहीद को बयान करती है।